तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज है फंक्शन का डे टू। तो भाई प्लान हुआ था सुबह 10 बजे मिलने का, बट 11:30 बजे मिल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो भाई आज है हमारे सबसे पहले दो फंक्शन मेन। सुबह एक तो भी है मेहंदी का फंक्शन, और उसके बाद है शाम को डीजे नाइट। तो भाई अभी सबसे पहले नीचे चलते हैं, नीचे करते हैं हम अपना ब्रेकफास्ट, उसके बाद अभी सबके साथ फ़ोटो खिंचवा के फंक्शन इंजॉय करते हैं। चलो भाई, सुबह सुबह यहाँ पहुँच चुके हैं और अब चल रहा है सबसे पहले ब्रेकफास्ट। उधर सामने होगा अपना सेलिब्रेशन। तो गाइस हो गई है शुरू, यहाँ पे मेहंदी लगनी ऐसा क्यों बस आप यहीं बैठे हो, भी यहीं से नजारे लो, बातें बोलते छोड़ दो। सो गाइस मेहंदी हो गई है सबके डन, अब यहाँ पे एक चश्मे पे हो रहा है काम, अभी बनेगी क्रीम। नाश्ते में नानी कोई ऑक्सीजन की कमी पानी
लेके आते मिले नानी क्या हो गया है एकदम नाचते हुए का हो रहा है स्वागत शक्कर पारो और मिठाई से गुड़ की मिठाई दे दे तू दे रहा है भाई जिन लोगों को नहीं पता अभी हम नाचते हुए अंदर क्यों आए वो इसलिए था क्योंकि कुछ रीत सी है तो अभी नानको का वेलकम हुआ है ना और क्या होगा और अभी मिठाई मिली है खाने को अभी मिठाई मिली अभी चाय मिल रही है अभी चाय में इसके बाद खाना मिलेगा अब इसके बाद खाना मिलेगा खाना मिलेगा अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे नाच गाना हुआ हमारा डांस सांस चढ़ गया डांस बहुत हुआ नानी को होगी नाचते हुए ऑक्सीजन की कमी अब बाद में थोड़ा फिर अब नाचेंगे फिर अब बाद में हम फिर नाचेंगे अभी वहाँ चलते हैं सामने फोटोज करवाते हैं थोड़ी सी और हाँ। उसके बाद खा पी के घर नहीं फिर गाने की रीत होगी गाने की रीत होगी गाइस फिर गाने की रीत है उसके बाद थोड़ा नाचना गाना होगा फिर रात को डीजे है डीजे नाइट है सो गाइस अभी हम पीछे आए हैं जहाँ चल रहा है खाने पीने का अरेंजमेंट जो भी देख रहे हैं नाना जी कढ़ी चावल है हलवा है मिर्च है आलू है सो भाई सामने चल रहा है मासी का शूट और बाकी सारे बैठे हैं यहाँ पे नानी नानी अब बताओ कैसा लग रहा है ना बताओ अपने व्यूज एक्सप्रेस करो सबके सामने तू और किसी से पूछ उतने तक मैं जरा रिवाइज कर लूं खाना नहीं पूछ रहा क्या बना है मैं पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है मासी की शादी हो रही है हैं कहो खुशी हो रही है आप कह दो सेम हाँ कर दो यहाँ नहीं आएगी वीडियो फिर कहेंगे मेरे को लेता नहीं यहाँ आगे खड़ रहे हैं हाँ जी आपको क्या चाहिए आपको कैसा लग रहा है मेरी बेटी विशु की शादी है बहुत अच्छा लग रहा है पर एक बात का गप भी है वो हमारे से बिछड़ के दूर जा रही है और हमारे को दिल से बहुत खुशी है हाँ जी नानी क्या बना है सेम क्वेश्चन थोड़ी पूछूंगा आज का मेन्यू बताओ आज खाना तैयार है खाना बना है कढ़ी चावल हाँ शिमला मिर्च और चावल है रोटी है पानी है रात को डीजे है हाँ जी नीरू नानी आप कुछ कहना चाहेंगे रात को डीजे है आप कुछ कहना चाहेंगे मैं तो सारा कुछ कहना ही कहना है थोड़ा ही मेरी भांजी की शादी है और बड़ी धूमधाम से हो रही है आप ये बताइए आपकी बेटी लेट क्यों आई है मेरी बेटी लेट इसलिए आई है उसके दामाद उसको आने दिया उसके दामाद में नहीं है जो गलत बात है वो सचदेव है वो सचदेव लेट लतीफ है नहीं वो सचदेवों का फर्ज निभा रही है वो नानके परिवार से बाहर हो चुकी है अब वो मतलब विशु की जिठानी पड़ेगी इसीलिए वो विशु का साथ है इसीलिए वो लेट आई है ठीक है वो नानके परिवार का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया जिसको समझ आया नीचे कमेंट कर देना नानके का कॉन्सेप्ट सलाद कटा हुआ दीदी आपने सबको देख लिया लड़की को देख लिया ये देखो इनके बाकी रिश्तेदार लड़की की मम्मी को किस तरह बढ़िया बने हुए हैं तैयार है सारे मामी हल्का तो पीछे हो ना और ये देखो लड़की का भाई ये हमारे मामी ये हमारे चेहरा हमारा मामा काम के बोझ में दब गया ये लड़की का भाई है मामू शक्ल इधर कर दो जरा सो गाइस आफ्टर लॉन्ग वेट दोपहर का लंच आ चुका है कड़ी चावल और सूखी सब्जी भी है जो हम नहीं खा रहे अभी हमारा भाई आ गया एक्शन कर रहा वो पहले ही नहीं बढ़िया वो अब मेरे पास आ
इस मासी के बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे आतंक मचा रखा है। एक वो खड़ी बच्चे संभालो, मेहंदी छोड़ो, बच्चे देखो यहाँ क्या कर रहे हैं। हेलो हेलो गड्डे, सो गाइस सभी नानी ने दिए हैं। नाना जी किलो ले आओ, किलो ले आओ। नानी क्या राज है पार्टी का, क्या राज है पार्टी का? जा रहे हैं जी भाई, अब जलेबी लेके मिलेंगे। हेलो भाई, पता अब ये नानी का ये राज है, अब बच्चों ने खाना खाया है। अच्छा जी, अब बच्चों ने खाना खाया है, सब बच्चों को, हमारे परिवार के सारे बच्चे, बड़े बूढ़े जो भी है, सबको मिर्चे लग रही है, मिर्चे लग रही है। अब बच्चे कह रहे हैं कुछ मीठा होना चाहिए, मीठे के आती है। मैंने हमने बोला ये गुड़ पड़ा है, बच्चे कहते हैं हमने गुड़ कबड़ नहीं खाना। मैंने बोला क्या खाना है, बच्चे कहते हैं हमने जलेबी खाने है। मैंने कहा बाहर करोड़ी बंद है, जाओ जलेबी लेके आओ, एक किलो के जलेबी। ताली ये देखो गाइस, इसके पड़े हैं चांटे और ये बैठ के रो रहा है। वो देखो ऐसे चांटे अक्सर पड़ते रहते हैं। मम्मी की शादी पे एक बारी मामू को भी पड़ा था, मुझे भी किसी ना किसी की शादी पे पड़ा होगा, है ना? मुझे पड़ा था किसी की शादी में चांटा, मुझे नहीं, मैं बच गया भाई। मामू को पढ़ के रेहान का भी दिखा दिया, रेहान के नहीं वो चाटा नहीं है। सो गाइस दूसरे की शादी में बट रही हैं यहाँ पे खुद की वो जलेबियाँ। अब नानी के सूट पे ना रसा रसा, फिर देख नानी फेंक देगी थैला। ये देख हो गया, हो गया, ये देख। ये अम्बाला की बहुत फेमस है। अब जलेबी आ गई है, अब मैं सब बच्चों को कह रही हूँ मुंह मीठा करो और एक एक जलेबी गर्मा गर्म खाओ और अपना एंजॉय करो। लो जी लीजिए, अब सब एक चीयर्स, चीयर्स गाइस, चीयर्स। लो जी ये लड़की है नाना जी, मौका भी दिया। लो जी नानी। सो गाइस अभी नाना जी आए थे जो खुद हैरान थे, बिना स्टोर लगवाए जलेबी कैसे बट रही है। तो गाइस दोपहर के हो रहे हैं 4:30, मेहंदी का फंक्शन हो चुका है ओवर, अब चल रहे हैं भाई घर, थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। सो उसके बाद दोबारा रेडी होके आएंगे और आगे भाई अब डीजे की पार्टी। तो गाइस क्यों, सो गाइस घर पे सारे मेहमान आ गए, घर पे सब मेहमान आ गए हैं और यहाँ वही बात चल रही है। और ये सारे मेरे से पूछ रहे जी हम सगन क्या देना है, तो मैंने कहा जी देखो जो अपना अपना सबका हिसाब है वो देखो, सबने जो देना है। सारे कह रहे हैं लिफाफे में दे के खाली ऐसे दे उनको। ये बात नहीं, मैंने बोला नहीं जी नहीं, हमने इतने इतने सगन देने, हम तो खोल के देंगे सबके सामने देंगे, हम ऐसे बंद क्यों दे। इसका मतलब समझ रहे हो, खोलने का मतलब कितना मोटा सगन देना। नानी कुछ डिस्क्लोज करेंगे आप? अभी की शादी की नहीं, जिसकी हो रही है उसकी बात। नहीं अभी की शादी की पहले तैयारी, एडवांस में बोला मैंने, पूरी सुनाया था। क्या एडवांस में, अभी मेरी शादी का तो काफी टाइम पड़ा है। अभी तो पहले मन्नू की अपने शादी का, मन्नू की बढ़िया है, अभी तो अभी अभी की शादी का बहुत टाइम है जी। हाँ कंबल में नाम भी लिखवाने अभी हमने। देखो इस शादी की एक बड़ी बड़ी खुशी है, खुशखबरी है, वो हमारे गोरा भाई जो है ना, मेरे दामाद जो सबसे बड़े हैं, उन्होंने बोला है कि मम्मी हर महीने एक सूट आपको देंगे, हर महीने महीने के चौथे शुक्रवार को। अब देखो जी ये मुझे बहुत खुशखबरी मिली है, अब मेरे को हर महीने में एक सूट, इसी बात की लग रहा है जलेबी की बात हो रही थी, उसके बाद जलेबी आई है। एक खुशखबरी और थी, वो तो मुझे गोरे भाई ने पहले बता दी थी, वो कहा था भी और किसी के कंबल आए ना आए, तेरे तो जो उठाएंगे वो भी दो, इसीलिए मैंने लिखवा।
दिखाइए अभी से, देखिए देखिए साज हमें अभी से दिखवा दिया है। फिर अभी ने कहा था भुजवा के देंगे ताकि तू अग्गे ना चला जाए। एक तो भाई हम उसमें वो प्रिंट करवा के देंगे अभी की शादी का कंबल, ताकि ये किसी को आगे टेपे ना, जैसे इन्होंने किसको दिया था, विनू अंकल को दिया था। और दूसरा मिलेंगे जो फेरों में बैठेगा उसके बाद मिलने में किसी को कुछ नहीं मिलने का। और कंबल भी अभी ने फेरा तो बात देने था। हाँ जी तो गाइस अभी हो रही है चाय ब्रेक, नानी को जोक सुनाओ। चाय ब्रेक हो रही है, चीयर्स कर दो भाई। नानी चीयर्स कर दो, चीयर्स सारे रेडी हो चुके हैं डीजे नाइट के लिए। और मैंने वियर करा भाई, देख सकते हो अपना ब्लैक कुर्ता पजामा। अभी देखते हैं बाहर सब, बाकी सबने और क्या क्या वियर किया आपको दिखाते हैं भाई। तब हम सारे रेडी हो गए हैं, अब हम चल रहे हैं सारे डीजे नाइट पे। देखो पीछे हमारे मामू, पीछे उधर नानी और अभी भी तैयार हो रहे हैं। अब आपको मिलते हैं सीधा वहाँ धर्मशाला में। पहुंच गए हम धर्मशाला में। तो गाइस जलंधर के मासी और परी आ गए हैं। मासी राम राम, श्री राम, जय श्री राम। मामी मासी आपके लिए रखे हैं मैंने स्पेशल। मैंने कहा था, मैं कहा मासी की ट्रेन अम्बाला ही तब आऊंगा यहाँ। गाइस पार्टी चल रही है वहाँ, बट हमारे हाथ में कमान है यहाँ। Thank you.
गाइस वहाँ चल रही है पार्टी, हम फिर आ गए हैं अपने अड्डे पे। हमें हमें डिनर में ये मिला है, हमें गरम गरम सर्व करते हैं हमारे जगदीश अंकल। भाई वहाँ मिल रहा सब ठंडा, यहाँ मिल रहा गरम गरम भोजन। गाइस नाना जी का बर्थडे, नाना जी हैप्पी बर्थडे सबकी तरफ से। देखसी गोली भी खाया ना तेरे। सिमरन जा रही है। सिमरन ना जा। ओ मजी। सो गाइस रात के 1 बज गए हैं, हम सारे पहुंच गए अपने घर। अब भाई सोते हैं, जो है वो अब सवेरे फंक्शन होंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने कल का व्लॉग नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और व्लॉग देख लो। तब तक के लिए बाय बाय। Stopping now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try it.